कभी सास कभी बहू मेरा पहला छल छवि। गुड मॉर्निंग मैंने आपसे नहीं मैंने दादी माँ से गुड मॉर्निंग कहा। गुड मॉर्निंग दादी माँ। तो क्या मेरे लिए गुड नाइट कहने वाली थी? जी नहीं, कल मैं थोड़ा सा लेट क्या उठ गई मम्मी जी, आपने मेरी गुड मॉर्निंग का जवाब क्या दिया, गुड आफ्टरनून। नेचुरली अगर दोपहर के 12 बजे तुम मुझे गुड मॉर्निंग कहोगी तो मुझे गुड आफ्टरनून तो कहना ही पड़ेगा ना। इसलिए मैंने दादी माँ को ही गुड मॉर्निंग कहा। दादी माँ को क्या फर्क पड़ता है, बहू तो तुम मेरी हो। देखिए दादी माँ मम्मी जी क्या कह रही है। अरे जाने दो जाने दो, वैसे हेमा मेरी बहू है। इतनी जोर से मत हंसो वरना पड़ोसी समझेंगे कि हेमा की बहू पगला गई। आसपास के लोग तो पहले से ही जानते हैं कि इस घर में कौन पगला गया है। तुम मुझसे जबान लड़ा रही हो? क्या दादी माँ मैंने क्या मम्मी जी से जबान लड़ाई? नहीं नहीं मुझे तो नहीं ऐसे लगता। तो ठीक है मम्मी जी, आज के बाद मैं आपसे उसी तरह से पेश आऊंगी जिस तरह से काजल मुझसे पेश आती है। What do you mean by पेश आऊंगी? तुम तो वैसे ही हो पहले से। आप क्या कर रही हैं दादी माँ? अरे मैं पजल सॉल्व कर रही हूँ। ओके, मैं मदद करूँ आपकी? हाँ हाँ करो करो बेटा। ये देखो ये जो शब्द है ना ये बू से शुरू होता है। बू मतलब बूढ़ी घोड़ी लाल लगा। अरे वाह, दिस इज टू मच काजल। मैं बर्दाश्त करती रहती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि जो भी मुंह में आएगा बक दूंगी। मैंने क्या बका ऐसा? ये तो पजल सॉल्व करने में मेरी मदद कर रही है। आप दोनों मेरे लिए पजल बनती जा रही है। क्या क्या कहा तूने, क्या कहा बेटा? बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। ये लाइन आपको देख के क्यों नहीं कहा उसने? तुम्हें क्या लगता है मैं बूढ़ी घोड़ी हूँ, मेरे जबान में लाल लगाम है? और दादी माँ तो ना नेल पॉलिश भी नहीं लगाती। जबान को लगाम दो। कैसी बात कर रही है, देख नहीं रही है हेमा गुस्से से कितनी लाल पीली नीली हो रही है? इसका बस चले तो वो हमारी धुलाई कर देगी। अच्छा कैसे, हाथ से या वॉशिंग मशीन में डालकर? तुम्हें 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 क्या लगता है? देखो मुझे लगता है कि मेरी धुलाई तो वॉशिंग मशीन में डालकर होगी और आपकी ना हाथ से होगी। क्यों 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 क्यों? वो इसलिए कि आपके साइज की तो वॉशिंग मशीन ही नहीं है ना घर में। शालू यू डोंट वरी, तुम्हारे इस ड्रेस के ऊपर ना मैं अपनी सारी फैशन डिजाइनिंग का एक्सपीरियंस लगा देने वाला हूं। डोंट वरी, यू आर माय फेवरेट मॉडल, माय फेवरेट मॉडल। ओके, ओह माय गॉड, नो 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 नो, ऐसा कुछ नहीं। वो एक्चुअली ना तुम्हारी बात सुन के मुझे बहुत जोर का धक्का लगा था और मैं बेड पे गिर गया था। आई डोंट नो हाउ। मैं तुमसे बाद में बात करूं हैं कल सुबह। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। क्या बात है स्वीट हार्ट, तुम बहुत शांत नजर आ रही हो। मैं शांत नजर आ रही हूँ वीरू। शांत नजर नहीं आ रही हो, गुस्से में नजर आ रही हो। लेकिन बताओ कि ये गुस्सा किस पे है? अपनी प्यारी मम्मी और अपनी लाडली बहू से पूछो। थैंक गॉड, ये सास और बहू का मामला है। मुझे लगा था शालिनी और मेरी बात सुन ली इसने। काश कि मेरे पास कोई गुस्सा उतारने वाली कोई चीज होती। लेकिन मुझे लगता है तुमने अभी अभी अपना गुस्सा उतार लिया है। कब? मुझे धक्का देके। धक्का नहीं लगता है कि मुक्का मारू मुक्का। थैंक गॉड ये कुशन बेजान है। नहीं तो बेचारा मर गया होता ईश्वर। बुरी घोड़ी लाल लगाम, बुरी घोड़ी लाल लगाम। ये अपने आप को ऐसे ऐसे ताने क्यों मार रही हो तुम? मैं आपको नहीं, तो तुम्हारी बहू मुझे ताने मारेगी। ओ, 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 इसका मतलब ये कुशन बहू है। ओके, और ये बड़ा वाला कुशन मम्मी है। बहू से मुझे क्यों मार रही हो तुम? मम्मी से मारा डैडी। हेलो मैम, मैम पाउडर लिपस्टिक क्रीम नेल पॉलिश शैम्पू सब प्लीज। थैंक यू, नॉट इंटरेस्टेड। क्यों मैम? एक बूढ़ी के लिए क्या मेकअप? मैम अपनी सास के लिए नहीं, अपने ले लीजिए प्लीज। मैं अपनी बात कर रही हूँ। मैम बूढ़ा किसने कहा आपको बूढ़ा? अरे मैम वो अंधा होगा, उसकी आंखें खराब हो गई होंगी,
आपको बूढ़ा कहा? अरे आप तो मेरी मेरी मामा से भी कम उम्र की लगती है सच में। क्या उम्र है तुम्हारी मम्मी की? कुछ 35 साल। मैम बचपन में शादी हुई थी क्या? जाओ यहाँ से, मैं बहुत बुरे मूड में हूँ। मैम मैम मैम, अगर आप गुस्से में है ना तो आपके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी चीज है। क्या? रुकिए मैं अभी आपको बताती हूँ। मैम मेरे पास है एक ये क्या है? पंचिंग बैग। बॉक्सर्स इसमें रेत भरकर अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते हैं और औरतें इसमें गेहूं का आटा भरकर प्रैक्टिस करती है। मैम लेकिन औरतें क्यों प्रैक्टिस करेंगी बॉक्सिंग की? मैम अपने मन की भड़ास निकालने के लिए। जब भी उन्हें किसी के ऊपर गुस्सा आता है, ग्रिशम, जब भी वो अपने किसी फैमिली मेंबर से नाराज होती है, ग्रिशम, जब भी उन्हें लगता है कि फला फला आदमी की ठुकाई करनी चाहिए, ग्रिशम मैम, ग्रिशम। ओके ओके, इसकी मुझे ठीक से प्राइस बताना वरना तुम्हें भी ग्रिशम। मम्मी जी। जी बेबी जी, खाना आप बना रही हैं? तो तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब क्यों बीन रही हूँ? बेचने के लिए? ऐसे गुस्से में क्यों बोल रही हैं आप? सवाल ही बेहुदा करती हो। जब मैंने तुमसे कहा कि खाना तुम बनाओगी तो तुमने मुझसे क्या कहा? दादी माँ से पूछना पड़ेगा। वो तो है। अब उस वक्त दादी माँ ने मुझसे कहा कि देख काजल, आज रात का खाना तेरी सास बनाएगी। सुबह से बहुत आराम कर रही है। ऐसा बोली वो? हाँ। क्या खिचड़ी पक रही है सास बहू में? सास बहू में नहीं, दादी सास और पतहू में। मतलब मैं सुबह 5:30 बजे से उठकर काम कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, क्या आपको यकीन नहीं होता तो पूछ लीजिए वीरू से। पिछले 5 घंटे से मैं उसके फैशन डिजाइनिंग के काम में लगी हुई हूँ। क्या बात कर रही हो? तो क्या हुआ, अपने पति के लिए ही तो काम कर रही थी ना 5 घंटे। अब जैसे मैं काम करूंगी 6 घंटे अपने मोहित के लिए। क्यों? वो मोहित ने कहा है कि डाली आज ना मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाऊंगा। तो पहले क्यों नहीं बताया? आपने बताने का मौका ही कब दिया? अरे सब कुछ तुम्हें पहले ही बताना चाहिए। हाँ। कुछ बातें खुद को भी समझनी चाहिए। समझ गई मम्मी, समझ जाना चाहिए था ना मुझे। मम्मी जी ये क्या कर रही थी? शायद तुम्हारे साथ बॉक्सिंग मैच खेलने की तैयारी कर रही थी। नींद ना आवे। डैडी आपसे मिलने आपकी एक मॉडल आई है। कौन सी मॉडल आई है? ओह शाली, शालू। वीरू मेरा ड्रेस तैयार है। मोहित मम्मी से पूछो कि शालिनी के ड्रेस का क्या हुआ। हाँ थोड़ी देर पहले मम्मी कुछ कह रही थी। क्या? यही कि शालिनी का ड्रेस गया भाड़ में। भाड़ में नहीं, बाढ़ में। मतलब वो लास्ट टाइम तुमने अपने कुछ ड्रेसेस दिए थे ना बाढ़ग्रस्त लोगों को बांटने के लिए। वो उस ड्रेस की बात कर रही होगी। ये नया वाला है इसका। जाओ जाओ वो लेके आओ। हाँ 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 याद आया। क्या? मम्मी ने ऐसा ही कहा होगा, वरना हमेशा तो मम्मी कहती है कि उसका ड्रेस गया चूल्हे में। यू, ये लड़का दरवाजा खोलने क्यों चाहता है? मेरा काम है, मुझे ही करने दिया करो। यू, कि तुम इस तरह से मुंह फुला के क्यों खड़ी हो गई? तुम्हारी बीवी मेरी ड्रेस के बारे में ऐसा कहती है? अरे कमॉन, वो ऐसे कहती होगी, मजाक कर रही होगी। तुम्हारी दोस्त है ना, फ्रेंड है ना। मुझे नहीं बात करनी है मसे। अरे कमॉन, उससे मत बात करो, मुझसे तो बात करो। नो। क्यों? मेरी तो फ्रेंड हो ना। नो। तो क्या हो, गर्लफ्रेंड? नो बे, फिरू तुम ना बहुत 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 बड़ी फ्लर्ट। अच्छे से मारती हो तुम मुझे। ये रहा तुम्हारा ड्रेस। वो किसी का भजन कभी सास कभी बहू, कभी सास कभी बहू।
चाहिए। ले ले ले, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और दो ये ले। बेशरम, बेहया, बदतमीज, लौट। सामने शालू के बच्चे के साथ फ्लर्ट करता है, मेरे सामने फ्लर्ट करेगा। आई विल किल यू, आई विल किल यू। फिरू मैं चलती हूँ। ये ड्रेस तो लेके जाओ। चूल्हे में की ड्रेस? ये औरतें हर चीज चूल्हे में क्यों डालती हैं? लीजिए गर्मा गर्म रोटियां और ये गर्मा गर्म दाल। अरे वाह, अरे वाह, आज सास और बहू में काफी मेल जोल नजर आ रहा है। मेल जोल नहीं, बहुत बड़ा झोल है। क्या बात है डैडी, आज आप बड़े गुमसुम लग रहे हैं, कहीं मम्मी ने आपको रेड हैंडेड पकड़ तो नहीं लिया? उन कमबख्त मुझे नीचे से लात मार रहा है। मैंने पहले ही अंदर रखे पैर। वो डैडी का था। अब रोटी किधर है, सब्जी किधर है, कुछ तो दो मुझे खाने के लिए। प्लीज तुम बैठो, मैं देती हूँ। आप दिल से बोल रही हैं? अरे बेटा ऑफ कोर्स मैं दिल से कह रही हूँ, खाना तुमने बनाया है, कम से कम मुझे सर्व तो करने दो। क्या खाना आज काजल ने बनाया है? हाँ बेटा, तुम्ही ने तो कहा था कि तुम उसके हाथ का खाना चाहते हो। मैंने कहा था? मैंने ही तो कहा था, भूल गया मैं तो। अच्छा हुआ तुझे जल्दी याद आ गया, वरना दोनों में एकदम ठन जाती। नहीं ठनती। नहीं ठनती? नहीं ठनती? नहीं नहीं। हे माँ, तुझे काजल पे गुस्सा नहीं आता? वेल, अगर गुस्सा आ भी जाता तो इसने गुस्सा उतारने के लिए एक चीज ला के रखी है इस घर में। कौन सी चीज? पंचिंग बैग। पंचिंग बैग? यस, पंचिंग बैग। टिंग रिंग, जब भी हेमा को गुस्सा आता है वो अपना गुस्सा उतारने के लिए पंचिंग बैग का इस्तेमाल करती है। तभी मैं सोचूं, मैं और काजल कुछ भी बात करते हैं तो ये सीधा दीवान खाने की तरफ क्यों बार बार जाती है? हाँ, ये बात तो मैंने भी नोट की। हाँ, वरना पहले तो मुझ पर गुस्सा निकालने के लिए मम्मी जी सीधे प्लेट पकड़ के तोड़ देती। डार्लिंग, आजकल प्लेटें अनब्रेकेबल हो गई है ना। अच्छा अच्छा, इसका मतलब ये है कि हेमा अपनी सारी भड़ास उस पंचिंग बैग पर निकालती है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हेमा इतनी रिलैक्स कैसे है। डैडी, भड़ास निकलने के बाद तो कोई भी रिलैक्स हो जाता है। सुनो, ये एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है। इस आइडिया को हम भी अपनाएंगे। मतलब ये है कि हफ्ते में एक बार हम सब अपनी भड़ास उस पंचिंग बैग पर उतारेंगे। संडे को? यस यस, नो प्रॉब्लम, संडे को मैं मुक्का मारने के लिए फ्री हूँ डैडी। ओके। अरे मुक्के मुझे नहीं मारने, उस पंचिंग बैग पर मारने। लेकिन मुक्का मारने से पहले हम सब ये बोलेंगे कि हम अपना गुस्सा किस पर उतार रहे हैं और क्यों। और एक बात ध्यान रखिए, कोई भी किसी की भी बात का बुरा नहीं माने। ओके। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। रात बिरात रोमांटिक क्यों हो रहे हो भाई? अभी रात बिरात रोमांटिक ना हो तो क्या दिन में रोमांस करे स्वीट हार्ट? दिन दहाड़े मैंने तुम्हें देखा रोमांस करते हुए शालिनी के साथ। क्या क्या कर रहे थे उसके साथ? रैम्पो? शू 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 क्या है? शू पॉलिश कर रहे हो क्या? शू मतलब शालिनी पड़ोस में रहती है। तो मैं क्या करूं? देखो प्लीज, अगले संडे को शालिनी के नाम की भड़ास उस पंचिंग बैग पे मत निकालना, वरना उसका हस्बैंड मुझे पंचिंग बैग समझ के मुझे पंच मारेगा और मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। शालिनी काजल, ओह काजल, अब तो मैं तुम्हें गुदगुदी भी नहीं कर रहा। जब गुदगुद आता हूँ तब तो तुम हंसती नहीं हो, अब मैं कुछ नहीं कर रहा तो ऑटोमेटिक हंसती जा रही हो। मैं ये सोच रही थी कि क्या सोच रही थी? मैं ना ये सोच रही थी कि
आने वाले संडे को पंचिंग बैग पर मुक्का मार के मैं जो जो बोलूंगी वो सुन के मेरी मम्मी का क्या होगा? नहीं काजल डार्लिंग, तुम प्लीज उस बैग पर मुक्के मार के मम्मी के बारे में कुछ मत बोलना, वरना वो वही तुम्हारे साथ साथ मुझे भी पंच कर देगी। अरे मुक्के से नहीं, पंचिंग मशीन से, जिससे पेपर पंच करते हैं। अजी सुनती हो? उफ़ क्या है, क्या है? ये मंत्र जाप करना बंद करो, भगवान को भी आराम करने दो, सोने दो। क्या प्रॉब्लम है आपकी? तुम्हारे बुदबुदाने से ऐसा लग रहा है कि जैसे कानों के पास मच्छरों की मंडली मंडरा रही है। शुरू हो गया डार्लिंग। ओह माय गॉड, अब सो जाओ। मेरी नींद हराम करके मुझे कह रहे हो डार्लिंग अब सो जाओ? मैंने तुम्हारा नींद कब हराम किया है? और नहीं तो क्या, पंचिंग बैग में भड़ास निकालने की आइडिया किसकी थी? मेरी? मेरी? अब पता नहीं कल वो हेमा की बच्ची मुझे लेकर कहां कहां पंच मारती रहेगी। चलो 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 सब आ जाओ, आ जाओ, अपनी अपनी भड़ास निकालो। आ जाओ जल्दी। मुझे लगता है कि सबसे पहला कदम मम्मी जी को उठाना चाहिए। अरे कदम नहीं, मुक्का। तुमने अपने हाथ में नैपकिन क्यों बांध के रखा है? क्योंकि मेरे पास ग्लव्स नहीं है। ओके, एक मिनट, एक मिनट। हेमा शुरू होने जा रही है। एक मिनट, मुझे किसी सेफ जगह पे चले जाने दो, कहीं मुझे पंचिंग बैग समझ लेना तो मैं तो गया। प्लीज बेटा इधर आ जाओ। ये सासुमा के लिए जो हमेशा काजल की तरफदारी करती है, और ये काजल के लिए जो हमेशा सासू माँ को मेरे अगेंस्ट भड़काती रहती है। बाप रे बाप, दो दो मुक्के और वो भी इतनी जोर से। बेचारा पंचिंग बैग भी कराने लग गया। ये पंचिंग बैग नहीं, मेरे पिताजी करा रहे हैं। मुझे किसी में भड़ास नहीं निकालनी, मैं क्यों मुक्का मारूं? डरपोक कहेगा? डरपोक मैं? अब नहीं। तो वो तो पहले जब मैं कुत्ते को देख के डर के भाग गया था। जब मुझ पे गुस्सा निकाल रहे हो जाले? कुत्ते पर गुस्सा निकाल। नाइस वन। हीरो चलो अब तू अपनी भड़ास निकाल। नहीं जाने दो वो। नहीं वीरू कर ही दो, आज तो तुम कुछ भी कर सकते हो, साथ खून माफ है। बोलो। Really? Then, ये पहला मुक्का मेरी वाइफ हेमा के लिए, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन वो हमेशा मेरी मॉडल्स को लेकर मुझ पर शक करती रहती है, शक करती 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 है, हमेशा। बस वीरू, बस। ओ बोलो बोलो। अब तुम्हारी बारी है। एक मिनट। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। नहीं हो रहा है मुझसे। ये मुक्का हेमा के लिए, मैं उसे अपनी बेटी जैसे समझती हूँ और वो मुझे सास समझती है। सौतेली बेटी, सौतेली बेटी, सौतेली बेटी, सौतेली बेटी, सौतेली बेटी। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। I'm sorry, sorry। अब बस सबने भड़ास निकाल ली। नहीं, अब काजल की बारी। अरे हाँ बेटा, मेरी बारी बाकी है। Yes, yes, yes। नहीं, मुझे
किसी से कोई शिकायत नहीं है। काजल अच्छा एक बात जानते हो ये भड़ास निकालने का दिन आज क्यों चुना गया है? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि हम सबके अंदर जितना गुस्सा है वो हम बाहर निकाल सकते हैं। डैडी जी एब्सोल्युटली राइट। अगर हम एक दूसरे की बात सुने और साथ साथ एक दूसरे को अपने विचार विमर्श करने का मौका दे तो इस चीज की नौबत ही नहीं आए। करेक्ट, हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। आए आए करेक्ट करेक्ट। इसलिए अब मम्मी जी कल से मेरी इज्जत करेंगी। करेक्ट। नहीं, ये तुम्हारे लिए था। आपके लिए था। आई एम सॉरी बेटा, ये तुम्हारे लिए था। मम्मा ये आपके लिए था। तुम्हारे लिए था। ये आपके लिए था। ये तुम्हारे लिए था। आपके लिए था। एक मिनट अभी अभी हम सब लोगों ने मिलकर क्या फैसला किया था कि हम अपनी सारी भड़ास, सारा गुस्सा, सारा जो अंदर कुछ जो भी होता है वो हम इस पंचिंग बैग पे निकालेंगे। कम ऑन मैन, हिट हिट। एक्सक्यूज मी यार, क्या ये पंचिंग बैग मुझे उधार मिल सकता है?